नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बलरामपुर से एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक बाइक सवार युवक को बचाने के लिए स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई, जिससे गड्ढे में पानी ज्यादा होने के कारण कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल बाइक सवार को घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए गोंडा रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि मृतक परिवार के सभी लोग बेटे उत्कर्ष का जन्मदिन मनाने के लिए गोंडा के तरबगंज के बलरामपुर के तुलसीपुर देवीपाटन शक्तिपीठ आ रहे थे। परिवार का दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, लेकिन किसी को नहीं बचाया जा सका। मोटरसाइकिल चालक तुलसीपुर की तरफ से बलरामपुर की तरफ जा रहा था, वहीं कार गोंडा के तरबगंज से देवीपाटन शक्तिपीठ दर्शन आ रहा था, तभी मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित हो गया, जिसे बचाने के लिए कार चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लिया। ब्रेक लेने पर कार मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे वह फिसलती हुई एक पास के नाले में जा गिरी। घटना नेशनल हाईवे बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग के महाराजगंज तराई क्षेत्र के लौखवा गांव के निकट की है। बताया जाता है कि गोंडा जिले के पूरे मनियाए मनहना गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार सिंह अपने परिवार के साथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर दर्शन के लिए सुबह करीब 7:30 बजे गोंडा जिले से निकले थे और बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर लौखवा के निकट करीब 9:30 बजे के आसपास सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये तुलसीपुर बलरामपुर की रोड है, जो ग्राम सभा शिवानगर क्षेत्रवा के बीच में हुआ है। ये हमारी जो गाड़ी आ रही थी गोंडा से आ रही थी तुलसीपुर देवीपाटन के लिए जा रहे थे, एक बाइक जो आ रही थी तुलसीपुर से आ रही थी, दोनों के बीच में ये दुर्घटना हुई। सीधे जाके पुल के खाई में जाके गिरी गाड़ी। एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो एम्बुलेंस ऑन द स्पॉट तत्काल समय पर उसको भरने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए सरकार को गुजारिश है कि जो भी दुर्घटना हो उसको तुरंत कार्रवाई की जाए, कि एम्बुलेंस तुरंत 10 या 5 मिनट के अंदर सुविधा पर पहुंचे। क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। इसमें स्विफ्ट डिजायर कार से जो गोंडा के रहने वाले हैं तरबगंज के, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये और एक मोटरसाइकिल, दोनों लोगों में एक्सीडेंट के दृष्टिगत जो है गाड़ी डिसबैलेंस हुई और स्विफ्ट डिजायर पास के नाले में चली गई और वहाँ पर ये बिल्कुल डूब गए और वहाँ से तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच करके एम्बुलेंस की सहायता से मेमोरियल हॉस्पिटल लाया गया और इसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में डेथ हो चुकी है। मोटरसाइकिल के ड्राइवर का इलाज अभी जारी है, इलाज चल रहा है और इस संदर्भ में अन्य जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और मौके पर लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।